Hello everyone, my name is Sarpe and welcome back to the second part of Arushi Talwar and Hemraj case. Before starting this video, I just want to request that please drop a like and comment. समथिंग अबाउट दिस केस जस्ट फॉर एलगोरिदम क्योंकि ये वीडियो सप्रेस गया आई थिंक टायर्ड सो मे भी मेरी आवाज में उतना इम्पैक्ट नहीं होगा आई वन कंटिन्यूअसली वर्किंग ऑन लाइक द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ सो एंड हाँ ये सेकंड पार्ट है आरुषि तलवार केस का तो जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है आई विल प्रोबली पुट द लिंक इन माई कॉमेंट्स और इन डिस्क्रिप्शन ऑल्सो तो पहले फर्स्ट पार्ट जाके देखिए फिर इस वाले पार्ट को देखना बट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स कंटिन्यू वी लेफ्ट ऑफ सत्रह मई को कहीं सारे लोग तलवार के घर में आ रहे थे देखने के लिए कि क्या चल रहा है वहाँ और कुछ लोग वहाँ आ रहे थे अपनी कंडोलेंस देने के लिए यू नो कि आपकी बेटी इतनी छोटी उम्र में मर गई है आपके साथ बहुत बुरा हुआ पर राजेश और नुपुल तलवार उस समय वहाँ थे ही नहीं वो दोनों ही आरुषि की अस्थियों के साथ उस समय हरिद्वार जा रहे थे और नोएडा के घर में उस समय सब कुछ देख रहे थे दिनेश तलवार जो की राजेश तलवार के भाई थे अब दिनेश के साथ एक्स टी एस पी के गौतम भी थे जैसे मैंने बताया था तो सेवनटीन मई की सुबह साढ़े बजे जब के के गौतम महेश मिश्रा विनेश तलवार एंड दो और ऑफिसर्स तलवार की बिल्डिंग के टेरेस पर गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर खून के ड्रैग मार्क्स थे और उसके थोड़ा सा ही आगे डिकम्पोज स्टेट में सूखे खून में एक बॉडी पड़ी थी दिस वॉज अ शॉक फॉर एवरी वन क्योंकि अभी तक किसी को भी नहीं पता था ये चीज़ की इस बिल्डिंग में एक और खून हुआ है सो हु वॉज दिस पर्सन के के गौतम ने दिनेश तलवार को उस बॉडी के पास जाकर आइडेंटिफाई करने के लिए कहा क्योंकि वो अकेले आदमी थे जो कि तलवार की फैमिली से बहुत क्लोज थे और उस समय राजेश तलवार और नुपर तलवार हरिद्वार के निकल चुके थे तो अपने मुंह को कवर करते हुए दिनेश तलवार उस बॉडी के पास गए पर इस बॉडी को छत में दो दिन हो चुके थे और क्योंकि ये बॉडी अब डिकम्पोज हो रही थी तो उससे बहुत ज्यादा गंदी स्मेल भी आ रही थी स्मेल के साथ साथ ये बॉडी कहीं पार्ट से फूल भी चुकी थी तो दिनेश ने गौतम से कहा कि इस बॉडी को आइडेंटिफाई कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है तो गौतम जी किसी और आदमी से पूछ सकते थे या फिर

कि ये मरा हुआ आदमी कौन है दिस वॉज अ वेरी क्रुशल मोमेंट पर नुपुर ने कार से बाहर निकलने के लिए सीधा मना कर दिया नुपुर ने पुलिस इंस्पेक्टर से कहा कि मैं अपनी बेटी की अस्थियों को लेकर वापस उस बिल्डिंग में नहीं जा सकती हूँ और वो आरुषि की अस्थियों के साथ कार में ही बैठी रही तो छत पे सिर्फ राजेश तलवार गए जिन्होंने खून में बैठी हुई एक बॉडी को अपने सामने देखा जैसे कि मैंने कहा कि ये दिल्ली गर्मी थी और ये बॉडी उन्हें दो दिन बाद मिली थी तो हाथ पैर और फेस भी कहीं पार्ट इस बॉडी के

जो आदमी तुम्हारे घर में इतने टाइम से काम कर रहा है तुम उसे थोड़ा सा फूला देखकर नहीं पहचान पाए और ऊपर से लास्ट दिन की हर एक डिटेल राजेश तलवार को याद थी उन्हें यह तक याद था कि जो बॉटल उन्हें टेबल पर मिली थी जो बॉटल उन्हें टेबल पर मिली थी वो कबर्ड के कौन से वाले साइड पर थी तो क्या उन्हें हेमराज के कपड़े याद नहीं थे अगर कोई दोस्त बता सकता है कि हाँ ये हेमराज ही है तो जिसके साथ तुम रोज रहते हो जो तुम्हारा खाना बनाता है जो तुम्हारी बेटी का ख्याल रखता है तुम उस आदमी की बॉडी को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो वट एवर हैपन देर विध राजेश इट वॉज कॉस्ट हिम प्रिटी प्रस पर टेरेस में सिर्फ हेमराज की बॉडी नहीं मिली थी टेरेस में जो एंटर करने वाला डोर था उसके पास एक खून से सने हाथ के निशान भी थे जिसके बारे में बहुत टाइम बाद बताया गया कि ये खून तो हेमराज का था पर यह हाथ किसका है ये नहीं पता और जो बॉडी के खून से हुए ड्रैग मार्क्स थे उसके पास दोबारा तो खून से सना हुआ एक शू का मार्क मिला था जो कि साइज एट का जूता था बट अगेन जो नोएडा पुलिस की केयरलेसनेस थी वो यहाँ पे दोबारा देखी गई थी ऑफ ऑफ सेंडिंग थीड प्रिंट और दिस शू प्रिंट पुलिस वाले दोबारा से केयरलेस हो गए पुलिस ने एक और ओवरसाइट करी इस केस में वो थी ये हैंड प्रिंट छत में हेमराज की बॉडी से थोड़ा दूर दीवार पर खून से सने हुए हैंड प्रिंट भी थे जो कि पुलिस ने 17 मई को देख लिए थे पर इस हैंडप्रिंट की फोटो लेने के अलावा और कुछ नहीं करा गया ना ही यहाँ से सैंपल लिए गए और ना ही इस प्रिंट को कहीं भिजवाया गया फिर जब इन्वेस्टिगेशन कहीं नहीं जा रही थी एंड पुलिस वर लुकिंग फॉर स्क्रब्स तब 17 दिन बाद नोएडा पुलिस ने इस छत को जाकर उन्होंने इस पूरे पार्ट को काटकर फॉरेंसिक लैब भिजवाना सही समझा पर तब तक काफी देर हो चुकी थी सबसे पहले तो चूंकि बिल्कुल मौजूद सवाल है इस वक्त की आ, आप भी वाकिफ होंगे मीडिया के जरिए तमाम चीजों के जरिए हत्याकांड में एक हाथ का निशान जिसमें खून से सना हुआ हाथ का निशान जो कि मिलता है डॉक्टर राजेश तलवार के घर के छत पर उसे पुलिस शुरुआत में किस तरीके से लेती है ये तो हम देख चुके हैं लेकिन आज सी ने उस पूरी टाइल को निकाला है अब फोरेंसिक साइंस के बड़ी बुनियादी बात मतलब जो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये क्यों इससे क्या पता चलता है हम क्या ये की किस दिशा को बताता है देखिए सत्रह दिन के बाद अगर पुलिस ने है या सीबीआई ने जी खून लगा हुआ पंजे का आ, फोटोग्राफ या उसका कलेक्शन लेकर किया है पूरा पूरा सैंपल लिया पूरे टाइम उखाड़ कर ले लिया है तो इसमें इसमें जो इतना मौसम खराब रहा बारिश हुई और एक्सपोज रहा ये तो उसमें जो रेजेज होती हैं और भी डेल्टाज होते हैं कुछ प्रस होते हैं पहचान हो सकती थी कि किसके हाथ का निशान है तो वो तो हल्के पड़ गए जी अगर उसी समय लिए होते और एक ही दो दिन के टाइम में लिए होते तो उसमें और डेल्टा काफी साफ होती और उससे तक पहुंचने के लिए काफी कुछ हमें मिल सकता था और एविडेंसेस को छोड़कर वो लोग हेमराज की बॉडी कर, लोगों के सामने ले जाने की सोची रिमाइंड यू दिस थिंग अगेन की क्या स्थिति थी उस टाइम पे तलवार की बिल्डिंग में बहुत सारे लोग पुलिस वाले आस पड़ोस के लोग मीडिया वाले और उन सब के सामने पुलिस वाले हेमराज की बॉडी को घा सीटते हुए ले गए कोई रिस्पेक्ट नहीं है हिमराज के लिए क्योंकि वो बस एक नौकर था वो नेपाली था वो तो बस यहाँ काम करता था ऑटोपसी के लिए भेज तो रहे हैं वैसे भी बॉडी सड़ चुकी है ये एटीट्यूड था पुलिस का वहां पे इतनी केयरलेसनेस इतनी सारी ओवरसाइट अगर एक भी रिस्पॉन्सिबल पुलिसमैन होता वहां पे तो ये केस पंद्रह साल पहले ही ये केस पंद्रह साल पहले ही वहीं पर सॉल्व हो जाता और आज हम पन्नों में इसके आंसर्स नहीं ढूंढ रहे होते कि किसने किसको मारा बट कैरिंग ऑन ऑटोपसी हुई हेमराज की बॉडी पर उसकी रिपोर्ट ये आई कि हेमराज की मौत भी सेम आक्रोशी जैसे ही हुई थी तो उनके सर पर चोट लगी जिसकी वजह से एक ब्लड बना और फिर बाद में उनका गला किसी वेपन या फिर सर्जिकल नाइफ से काटा गया था बहुत प्रिसाइजली। हेमराज की कोहनी पर घिसने की वजह से मार्क्स आ गए थे इसका मतलब मरने के बाद हेमराज की बॉडी को दरवाजे से एयर कंडीशनर के फैन तक

कोई खाना नहीं पाया गया था उनके पेट में बस 25 फाइव का लिक्विड पाया गया था विच जॉड क्योंकि हेमराज ऑलमोस्ट हर दिन तलवार को खाना सर्व करने के बाद खाना खा ही लेते थे और हेमराज ने अपने लिए उस दिन खाना बनाया भी था करीब दस बजे वो थाली में अपने लिए ले खाना लेकर अपने रूम में गए थे और ये थाली से भरा हुआ खाना उनके रूम से मिला भी था पर उन्होंने ये खाना कभी खाया नहीं एज ए सैट दैट पुलिस फाउंड आउट दिस प्लेट विच वॉज फिल्ड विद फूड इन हेमराज इज रूम और लास्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ से यह भी मिली थी कि हेमराज की मौत सेम आरो जैसे बारह से दो के बीच में हुई थी नाउ द मेन थिंग इन दिस पजल वॉज कि हेमराज की मौत भी आरुषी जैसे ही बारह से दो के बीच में हुई थी उन दोनों का ही खून सेम तरीके से, सेम, सेम औजार से हुआ था नाउ डू गैस रिमेम्बर दिस थिंग पिछले दिन सोलह तारीख को शर्मा जी के साथ जो कि तलवार के ड्राइवर थे तो पिछले दिन शर्मा जी के साथ कुछ लोग आरुषी की मैट्रेस को ऊपर छत में रखने गए थे बट दे उन्होंने वो पड़ोस वाली छत में रख दिया था वेल well, ये है वो छत और इस ग्रिल के पीछे है तलवार की छत उस दिन किसी ने भी ये नोटिस नहीं करा कि हेमराज की बॉडी वहां पड़ी है किसी ने भी एक बार झांक कर नहीं देखा अन भी कोई भी ये नहीं देख सका कि वहां ऊपर कुछ है और तो और ये दिल्ली है तो सारी की सारी बिल्डिंग्स पास ही हैं एक दूसरे से तो दो दिन में कोई छत पर नहीं गया या फिर अगर गया तो किसी ने ये नहीं देखा कि वहाँ छत पे कुछ पड़ा है वहाँ किसी का खून गिरा है वहाँ पे कुछ लगा है दिस इज अगेन वन ऑफ दोज इज लाइक हाईली अनलाइकली ऐसा कैसे हो सकता है दो दिन तक बट हेमराज की बॉडी मिली और ये केस ही पलट गया पूरा नौकर मालिक की बेटी को मारकर भाग गया है नौकर ने ये सब कुछ करके नेपाल की टिकट काट ली पर नौकर तो ऊपर है तो अब जो इस केस की स्टोरी मीडिया में पेंट हो रही थी वो चेंज हो गई मरा हुआ आदमी कहाँ भाग के जाएगा राइट वो तो मर गया है। तो पुलिस अब किस पे इल्जाम लगाती तो सबसे पहले पुलिस ने एक आदमी ढूंढा, जिसका नाम था विष्णु शर्मा विष्णु शर्मा भी नेपाल से ही थे और वो तलवार के घर में 10 साल से काम कर रहे थे सो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और जब भी वो नेपाल से घर वापस जाते थे या छुट्टी पर जाते थे तो वो हमेशा किसी न किसी को अपनी जगह घर का ख्याल रखने के लिए रख लेते थे और कुछ टाइम पहले भी जब वो घर वापस नेपाल जा रहे थे तो उन्होंने नेपाल जाने से पहले हेमराज को तलवार के घर में रखा था वहां का ध्यान रखने के लिए पर जब विष्णु नेपाल से वापस आए तो राजेश ने विष्णु से कहा कि नहीं अब हम हेमराज को आपकी जगह काम पे रखना चाहते हैं फिट्स इन अर हाउस बेटर सो इसीलिए हम हेमराज को रखना चाहते हैं तो पुलिस को लगा कि शायद विष्णु ने गुस्से में आकर कि हेमराज तो मेरी दस साल की नौकरी कैसे ले सकता है मुझसे जब तू एक रिप्लेसमेंट था तो तू मेरी नौकरी कैसे रिप्लेस कर सकता है तो ही वॉज जस्ट अ रिप्लेसमेंट इसलिए विष्णु ने गुस्से में हेमराज को मार दिया और गलती से उसने आरुषि को भी हेमराज के साथ मार दिया तो पुलिस ढूँढने लगी एक्स वर्कर ऑफ तलवार विष्णु शर्मा पर विष्णु को ढूंढते हुए पुलिस को ये पता चला कि जब ये सब कुछ हुआ था तब तो विष्णु नेपाल में ही था तो ये भी गया पुलिस के हाथ से एक एलिगेशन अब क्या हो रहा था कि अब प्रेशर बहुत ज्यादा था पुलिस पे प्रेशर था कातिल ढूंढने का आरुषि के पेरेंट्स पर प्रेशर था अपनी बेटी को जस्टिस दिलाने का और आरुषि के पेरेंट्स पर यह भी प्रेशर था कि उन्हें अपना नाम क्लियर कराना है इस समय बहुत सारी स्टोरीज चल रही थी जिनमें से एक स्टोरी ये थी कि तलवार ने आरुषि को मारा है पर सबसे बड़ा प्रेशर था मीडिया पर इस न्यूज में आग मिर्च डालें तो डालें कैसे जैसे ही हेमराज की न्यूज बाहर आई देर सो मेनी वाइल है पर इतनी सारी मिर्च मसाला वाली न्यूज चली थी उस टाइम पे बाप है सो इन माई ओपिनियन जितने भी हायर अप्स थे उस टाइम पे पुलिस ऑफिसर्स थे इन्वेस्टिगेटर्स थे या फिर रिसर्चर्स भी थे उन सभी के ओपिनियन जो मीडिया कवरेज से थे तो उन सभी के ओपिनियन कहीं ना कहीं मीडिया की वजह से परसुएड हो गए थे जो भी उनकी थ्योरी थी जो भी इनके कंक्लूजन थे वो कहीं ना कहीं मीडिया की एक ना एक स्टोरी से परसुएड हो गए थे अब होते ही है जैसे आदमी दिन रात एक ही चीज सुनता रहेगा बार 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 तो अगर उसका मन नहीं भी करेगा तब भी वो चीज ले लेता है तुमने भी कितना बार सुना होगा कि तुम तुम्हें वाली कलर की चड्डी पहनो कृपानी शुरू हो जाएगी है ना अब यही लाइन आदमी अगर हजार बार सुनेगा तो एक बार के लिए सोच भी लेगा कि यार ले लेता हूँ देखते हैं क्या होता है इससे तो रिसर्चर्स पुलिस वालों के साथ इन सब के साथ यही हुआ और ये परसुएड हो गए और इन सब के चलते हुए यहां से आई तीन कहानियां बाहर और इन तीनों कहानियों में जो जो एविडेंसेस मिले थे जो जो फॉल्स एलिगेशंस लगे थे वो सभी मैं तुम्हें बताऊंगा सबसे पहली कहानी ये थी कि आरुषि के पेरेंट्स स्पेसिफिकली राजेश तलवार ने राजेश तलवार ने ही अपनी बेटी का खून करा था है, वो डॉक्टर राजेश तलवार है जो मोटिव रहा है वो आरुषि को कत्ल करने का रहा है हेमराज की हत्या इस वजह से की गई है कि कोई विटनेस ना बचे जो एविडेंस आई है उसके आधार पर मैं ये बताना चाहूंगा कि डॉक्टर राजेश के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे इस अफेयर की जानकारी उनकी इस बच्ची को थी सो so, गुरुदर्शन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये बात स्टेट हो गई थी कि राजेश सलवार नहीं हेमराज और आरुषि दोनों को मारा है वो ही गुरुदर्शन जिनको तीन महीने तक आरोप असली नाम करेक्टली याद नहीं रहता था सी इस केस को बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे थे तो इस कॉन्फ्रेंस के बाद जब ये स्टेट हुआ कि बाप ने अपनी बेटी को मारा है तो इसके बाद पूरी जनता राजेश तलवार के अगेंस्ट हो गई और एक दिन कोर्ट से बाहर आते हुए राजेश तलवार पे हमला भी हुआ था जिससे उन्हें राइट आंख के ऊपर चोट लगी थी और उनके हाथ पे एक माइनर सा फ्रैक्चर हुआ था राजेश तलवार चाहते तो इस आदमी के अगेंस्ट कार्यवाही कर सकते थे पर उनके हाथ पहले से ही अपने आप को बेगुनाह साबित करने से और अपनी बेटी को जस्टिस दिलाने से भरे हुए थे तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया इवन दो ही वेंट ऑन मीडिया टू टॉक अबाउट दिस लेटर तो गुरुदर्शन जी की स्टोरी ये थी कि राजेश तलवार का अपनी क्लिनिक में किसी के साथ अफेयर चल रहा था विद अ पर्सन हु यूज टू वर्क इन द सेम क्लिनिक एज राजेश दोनों के बीच बहुत ज्यादा प्यार था और ये थी तलवार्स की बिजनेस पार्टनर अनिता दुर्रानी अनिता तलवार्स को चौदह साल से जानती थी और उनके साथ काम भी करती थी तो मीडिया अनिता से इंटरव्यू के टाइम पर यह स्टोरी खींचने लगी कि क्या आप दोनों का कोई चक्कर चल रहा है आपको कैसा लगा अपने बॉस के साथ चीट करते हुए जबकि उनकी एक छोटी बेटी है यू नो मीडिया अगेन वॉज लुकिंग फॉर दैट स्पाइस ठीक है बट कंटिन्यूइंग ऑन विद गुरुदर्शन स्टोरी अनिता और राजेश के बीच में कुछ चल रहा था और ये बात आरुषि को पता थी पर नुपुर को नहीं तो अपने आप को कॉर्नर में फील करते हुए आरुषि को कोई बात करने के लिए चाहिए था पर वो ये बात अपने दोस्तों से नहीं कर सकती थी इसलिए आरुषि ने क्लोजेस्ट पर्सन टू हेम जो हमेशा उनका ध्यान रखता था हेमराज आरुषि ने ये बात उन्हें बताई और हेमराज ने भी आरुषि को कम्फर्ट करा दोनों करीब आए और हेमराज और आरुषि के बीच में फिजिकल रिलेशंस बनने शुरू हुए बेसिकली सेइंग दिस थिंग मीडी चौदह साल की बच्ची एक फोर्टी फाइव साल के आदमी के साथ सो रही थी कैरेक्टर असैसिनेशन ऑफ अ किड जबकि इन्वेस्टिगेशन ही ढंग से नहीं हुई थी एविडेंसेस ही ढंग से नहीं मिले थे और जबकि हेमराज की डेड बॉडी को ढंग से ट्रीट नहीं करा जा रहा था बट अगेन लेट्स कंटिन्यू आवर फर्स्ट स्टोरी नाउ ये क्लोज मोमेंट आरुषि और हेमराज के बीच में हुआ सोलह तारीख को नूपुर जी रात को आए राउटर को ऑन करने उन्होंने चाबी यूज करी आरुषि का दरवाजा खोलने के लिए और फिर वापस राउटर ऑन करने के लिए वो आरुषि के कमरे में चले गई आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग गुरु दर्शन स्टोरी पर यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये जो चाबी का सिलसिला है ये भी बहुत ज्यादा गड़बड़ है सोलह की सुबह को जब नुपुर भारती को चाबी फेंकने के लिए मेन डोर की चाबी खोज रही थी तो उन्होंने देखा कि मेन डोर और आरुषि के रूम दोनों की चाबी उनके लिविंग रूम में एक फिगर के ऊपर लगी थी जहाँ वो नॉर्मली मेन डोर की चाबी रखती थी पर नुपुर हमेशा आरुषि के डोर की चाबी अपने कमरे में रखती थी और उनका ये कहना था कि उस दिन भी आरुषि का दरवाजा लॉक करने के बाद वो चाबी अपने साथ ही ले गई थी पर यह स्टेटमेंट बाद में जी ने चेंज कर दी थी कि उस दिन दरवाजा लॉक करने के बाद उन्होंने चाबी कहाँ रखी थी ये चीज उन्हें ढंग से याद नहीं है और उन्होंने बाद में ये कहा शी वॉज अ लिटल सेट बैक जब उन्होंने देखा कि आरुषि के रूम के चाबी लिविंग रूम में लटकी हुई है और इस चाबी फीसता के चलते ने बाद में ये एलिगेशन डालने चाहे कि कोई ना कोई जिस दिन आरुषि और हेमराज का मर्डर हुआ था उस दिन कोई ना कोई राजेश और नूपुर के कमरे में आया उसने वहां से चाबी उठाई और फिर आरुषि का दरवाजा खोलकर उसे मारकर उसने चाबी वापस लिविंग रूम में टांग दी दिस वॉज वन ऑफ आर थ्योरीज बट आई डोंट बिलीव इन दिस थ्योरी क्योंकि अगर कोई तुम्हारे कमरे में आएगा चाहे तुम कितनी भी गहरी नींद में क्यों ना सो रहे हो तुम्हें महसूस नहीं होगी आ तुम्हें आवाज़ नहीं आएगी किस चीज़ की एंड पिछले पंद्रह सालों में नुपुर तलवार ने अपनी ये चाबी वाली स्टेटमेंट बहुत बार चेंज करी है सो नो बड़ी रेली नो उसकी वट टू बिलीव नाउ कमिंग बैक टू आरुषी एंड हेमराज एंड कैसे राजेश ने इन दोनों को मारा सो so, पंद्रह तारीख को जब नुपुर चाबी लगाकर अपने कमरे में चले गई तो हेमराज आरुषि के कमरे में आया और वो दोनों बातें शेयर करते करते फिजिकल होने लग गए इसी बीच इन दोनों की आवाज़ सुनकर राजेश आरुषि के कमरे में आए और हेमराज और आरुषि को ऐसी हालत में देख उन्हें गुस्सा आया जिसके बाद वो अपना गोल्फ क्लब लेने के लिए भागे और वापस आकर उन्होंने हेमराज को एक चोट जोर से गोल्फ क्लब से मारी ठीक है इतना समझ आ गया ना अब ये बात सच्ची है कि आरुषी और हेमराज दोनों के सर में उनका गला काटने से पहले किसी ऑब्जेक्ट से किसी हैवी ऑब्जेक्ट से उनके सर पे मारा गया था यह बात सच है और गोल्फ क्लब के डायमेंशन काइंड ऑफ रिजेंबल करते हैं इनकी चोट को ये चीज भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट आर के शर्मा ने कही थी पर उनका ये कहना था कि जब बाद में खुद राजेश ने एक गोल्फ क्लब पुलिस को दिया तब भी इस गोल्फ क्लब में से कोई खून के निशान नहीं मिले थे उससे भी बड़ी चीज ये थी कि आरुषि के लेफ्ट साइड और हेमराज के राइट साइड पर चोट लगी थी विच मेंट कि दोनों इस पोजीशन में लेटे हुए थे जब राजेश ने उन्हें देखा राजेश ने उन्हें इस पोजिशन में देखा और फिर राजेश को गुस्सा आया राजेश को गुस्सा आया और वो वापस गए भाग अपना गोल्फ क्लब लेने जब वो वापस आए तो उन्होंने गुस्से में हेमराज को ऐसे गोल्फ क्लब से स्विंग करा इसलिए उसके यहाँ पे चोट लग गई और मारा ऐसे कि दो तीन स्विंग से दोनों के सर में चोट लग गई बिलीवेबल है बिलीवेबल है ठीक है तो जब राजेश गुस्से में कमरे से बाहर भाग कर गए तो क्या हेमराज उठा नहीं उसने पोजीशन चेंज नहीं करी क्या वो तब तक वैसे ही वेट करता रहा राजेश का कि ओके ठीक है साथ में ही पड़ेंगे और फिर बाद में ये सामने आया कि आरुषि के सर पे तो स्ट्रेस फ्रैक्चर था मतलब बार बार मारने से ऐसा फ्रैक्चर आया होगा उसके सर में जो कि गोल्फ क्लब से नहीं किया जा सकता गोल्फ क्लब से सीधा चोट लगती है बहुत ज्यादा पर ये सारे के सारे एविडेंसेस बहुत बाद में आए थे और इस समय पुलिस ने राजेश तलवार को अरेस्ट कर लिया था ऑन मे ट्वेंटी थर्ड

कि ये केस सीबीआई को हैंडओवर हो गया और राजेश तलवार बेल पर 11 जुलाई 2008 को बाहर हो गए ये थी पहली कहानी अब शुरू होती है सेकेंड स्टोरी सीबीआई टीम में 25 मेंबर थे जिनको लीड कर रहे थे अरुण कुमार तो सबसे पहले सीबीआई ने कुछ टेस्ट करे सबसे पहला टेस्ट उन्होंने करा जो आरुषि को कैमरा दिया गया था एज अ बर्थडे गिफ्ट क्योंकि आरुषि को ये कैमरा पंद्रह तारीख की रात को दिया गया था तो उसने इस कैमरा पे कहीं सारी फोटोज क्लिक करी थी और जैसा कि मैंने पहली वीडियो में कहा इस कैमरा में लास्ट फोटो क्लिक हुई थी दस बज के दस मिनट पर पर फर्दर इंस्पेक्शन से यह पता चला कि इस कैमरा से कहीं सारी फोटोज डिलीट करी गई थी जो कि तलवार पर शक पैदा कर रहा था भाई घर में तो वही थे और कौन पिक्स डिलीट करेगा सीबीआई को यह लग रहा था कि शायद गलती से आरुषि ने राजेश और नुपुर की कोई ऐसी पिक क्लिक कर दी हो ऐसी पिक्चर क्लिक कर कर दी दी हो हो ऐसी चीज रिकॉर्ड जिसकी वजह से वो दोनों फंस सकते थे तो जांच करी गई इस कैमरा पर बट कुछ भी ऐसी फाइल निकली नहीं तो लास्ट में सीबीआई ने मान लिया कि आरुषि ने अपनी ही कुछ फोटोज क्लिक करी होंगी जो उसे पसंद नहीं आई तो उसने डिलीट कर दी और एंड में सी ने यह बोला कि इसमें ज्यादा कुछ देखने वाली बात नहीं है तो सेकेंड चीज सी ने ये चेक करी कि आरुषि का कमरा और नुपुर तलवार और राजेश का कमरा आमने सामने ही था तो अगर आप दरवाजा बंद करके भी सोते हो अगर आप इस कमरे का दरवाजा बंद करके भी सोते हो तो क्या आपको दूसरे कमरे में मर्डर की आवाज़ नहीं आएगी ये चीज़ मत देखो कि ये लोग टेस्ट क्या कर रहे हैं ये चीज़ देखो द देवर अगेन डाउटिंग द तलवार जबकि 11 जुलाई को राजेश तलवार को सीबीआई ने ही बाहर निकाला था तो राजेश तलवार से पूछा गया कि क्या तुमने उस रात को कुछ नहीं सुना तो उन्होंने कहा कि बारह बजे के सीधा बाद हम दोनों काफी गहरी नींद में सो गए थे और हमारे कमरे में जो ए है वो बहुत पुराना है और उसमें से आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है इसलिए हमें अपने कमरे से बाहर किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं सुनाई देती तो अरुण कुमार ने कहा ठीक है हम ये एक्सपेरिमेंट भी करेंगे दरवाज़ा बंद करेंगे कमरे में ए चलाएंगे और बाहर कुछ आवाज़ करेंगे देखेंगे कि बाहर की आवाज़ अंदर आती है कि नहीं एंड इट वॉज़ ट्रू ए चलाने के बाद बाहर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी बट द फनी थिंग हेयर वॉज कि अरुण कुमार ने उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा एक फोर्क से चम्मच गिराया उन्होंने कमरे से बाहर और अंदर लगाया और उन्होंने ए और फिर उन्होंने ये बोला कि हाँ मुझे चम्मच की आवाज़ सुनाई नहीं थी मुझे अंदर चम्मच गिरने की आवाज़ सुनाई नहीं दी और मुझे अंदर ट्रैफिक की आवाज़ सुनाई नहीं दी सो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट इट वॉज पॉसिबल कि तलवार को अंदर कुछ भी सुनाई नहीं दिया होगा ये भी हो गया क्लियर तो सी बी आई अब हर एक उस आदमी पे शक करने लगी जो भी तलवार के कॉन्टेक्ट में था जो भी हेमराज के कॉन्टेक्ट्स में था या फिर कोई भी एक ऐसा आदमी जो इन सब के रिलेशन में था और तब बाहर नाम आया कृष्णा का कृष्णा डॉक्टर राजेश के क्लिनिक में ही काम करता था और थर्टीन मई को सो जस्ट टू डेज बिफोर दिस इंसिडेंट डॉक्टर राजेश ने कृष्णा को क्लिनिक में सबके सामने डांटा था क्योंकि कृष्णा से डेंचरी में कोई मिस्टेक हो गई थी एक पेशेंट के दिस बिहेवियर वॉज एब नॉर्मल फॉर सिचुएशन में कभी भी किसी पे चिल्लाते नहीं थे पर सीबीआई का ये मानना था कि कृष्णा को इस डांट की वजह से बेजती फील हुई एंड ही दिस बेजती टू हिस्स हार्ट और कृष्णा के को वर्कर से ये पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हाँ डांट खाने के बाद कृष्णा ने यह कहा था कि मैं तो उसको दिखाऊंगा आई विल शो हिम मीनिंग राजेश जस्ट एन एंगर तो सीबीआई ने ले लिया कृष्णा को कस्टडी में और उसके बाद कृष्णा को लाइट डिटेक्टर टेस्ट से गुजरना पड़ा जहां ट्रूथफुली उसके रिजल्ट्स काफी ज्यादा शेकी आए थे एंड सीबीआई के अकॉर्डिंग वो पूरे लाइट डिटेक्शन के टाइम पर सच नहीं बोल रहा था इसके बाद जब कृष्णा से पूछा गया कि तुम्हें क्या लगता है किसने आरुषि और हेमराज को मारा तो कृष्णा ने भी सेम नोएडा पुलिस वाली स्टोरी सीबीआई को सुनाई quindi बलि हमारा है ना वो हेमराज को हेमराज को हेमराज को कोई नेपाली मारा होगा ना ये ये तो क्या सकते मैं कह नहीं सकता मैं मुझे क्या हो सकते हैं हेमराज को मारने का मैम इन दोनों में आपस में इलेगलर थे क्या इलेगलर रिश्ते थे इन लोगों में अनेक दुराने में और उसमें हाँ ठीक है तो तो आ, क्या पता ये दिन उसने देख लिया फर्स्ट स्टोरी कृष्णा को ऐसा लगा कि अगर मैं ये बताऊंगा तो मैं बच जाऊंगा पर सी बी आई के अकॉर्डिंग जब उन्होंने हेमराज का कमरा चेक करा था तो उन्हें वहाँ एक से ज्यादा आदमी होने के एविडेंसेस मिले थे सो कीपिंग दिस एज द बेस ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन वो और आदमियों को ढूंढने लगे तो सेकंड स्टोरी अब ये बन रही थी कि उस रात मल्टीपल लोग हेमराज के रूम में थे और कुछ कर रहे थे जैसे कि शराब पी रहे थे या फिर कुछ भी कर रहे थे पर उस रात उस कमरे में मल्टीपल लोग थे तो क्वेश्चन ये आता है कि कितने लोग थे वहाँ नाउ दिस क्वेश्चन लेट टू राजकुमार शर्मा जो कि डॉक्टर राजेश के बिजनेस पार्टनर दुर्रानीस के यहाँ हाउस सर्वेंट था हेमराज राजकुमार और कृष्णा तीनों दोस्त थे और अक्सर मिला करते थे तो स्टोरी सी ने ये बताई कि राजेश के ड्राइवर के जाने के बाद और तलवार के सोने के बाद हेमराज ने राजकुमार और कृष्णा को स्निकिंग करवाया ये तीनों हेमराज के रूम में बैठे और इन्होंने वहाँ दारू पीना शुरू करा अब जब ये लोग दारू पी रहे थे तो राजकुमार का मन और दारू पीने का करा तो उसने हेमराज से कहा कि मुझे कहीं से भी दारू ला कर दे हेमराज हैविंग नो अदर चॉइस उन्होंने डॉक्टर राजेश तलवार के दारू के कलेक्शन से एक स्कॉच की बॉटल निकाली और वहीं डाइनिंग टेबल पर इन तीनों ने पीना शुरू कर दिया जिसके बाद राजकुमार का वन आरुषि के कमरे में जाने का करा और कृष्णा भी उसके साथ कमरे में गया उन दोनों ने जबरदस्ती करी आरुषि के साथ और जब आरुषि ने रजिस्ट करा तो कृष्णा ने खुकरी से आरुषि के सर पे चोट मार दी जब ये सब हेमराज ने देखा तो कृष्णा और राजकुमार पहले तो हेमराज को छत पर बात करने के लिए ले गए पर ऊपर जाते हुए उनके हाथ से कभी रेलिंग तो कभी सीढ़ी पर खून लग गया और जब छत पर हेमराज इनकी बातों में नहीं आया तो इन्होंने दरवाजे के पास हेमराज के सर पे भी खुकरी के हैंडल से चोट मार दी और फिर घसीटते हुए ये दोनों हेमराज की बॉडी को एसी के फैन के पास ले गए अब इन दोनों को ये रिलाइज हुआ कि ये तो इजीली पकड़े जाएंगे इसीलिए इन दोनों ने तलवार को फ्रेम करने के लिए सबसे पहले तो हेमराज का गला खुकरी की ब्लेड से काटा जो कि एक इंच डीप कट था और ये कृष्णा ने करा था कृष्णा ने क्यों करा था ये इंपॉर्टेंट है अभी बताता हूँ और फिर सेम इसी खुकरी की ब्लेड से इन्होंने आरुषि का गला भी एक इंच डीप प्रिसाइजली काटा और फिर ये दोनों पीछे के रास्ते से भाग गए किसने काटा ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काम राजकुमार नहीं कर सकता था राजकुमार मेडिकल चीजों से बहुत दूर था वो एक नॉर्मल सिंपल हाउस वर्कर ही था पर कृष्णा कृष्णा यूज टू वर्क विद डॉक्टर राजेश हॉस्पिटल का बंदा काटना फाटना ये सारी चीजें सिखाते हैं उन्हें ढंग से और जितना प्रिसाइजली काटा गया था वो या तो एक डॉक्टर या फिर एक डॉक्टर का असिस्टेंट ही कर सकता है इसलिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि खुकरी से गला किसने काटा इसीलिए सीबीआई ने ये भी कहा कि लाइट डिटेक्शन के टाइम पे कृष्णा सच नहीं बोल रहा था बाद में पुलिस ने एक और हाउस हेल्पर विजय मंडल को भी पकड़ लिया और सेम स्टोरी अब विजय के मोटिव से बताई गई कि उस रात ये तीन नहीं चार लोग शराब पी रहे थे और विजय मंडल ने शराब पीने के बाद आरुषि पर जबरदस्ती करने की कोशिश करी जिसमें राजकुमार और कृष्णा ने उसका साथ दिया फिर जब हेमराज ने इन्हें देख लिया तो वो इनसे लड़ने लगा और इन द हीट ऑफ द मोमेंट इन तीनों ने हेमराज को मार दिया ये वाली स्टोरी भी बिलीवेबल थी पर सी के पास कोई भी एविडेंस नहीं था इस स्टोरी को प्रूव करने के लिए पर जो ये नेरेटिव था कि नौकरों ने हेमराज को और आरुषि को मार दिया है ये चलने लग गया सी वाले कृष्णा विजय मंडल राजकुमार इनको बेट देने लग गए। जैसे कि तू एक्सेप्ट कर ले तूने मारा है और फिर ते को कम सज़ा होगी या फिर राजकुमार को सी ने एलिजेटली ये बोला कि अगर तू तो एक्सेप्ट कर लेगा कि तूने मारा है ठीक है तो हम तुझे तेरी बेल के बाद एक मॉडल बना देंगे अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर से अच्छे अच्छे मीडिया पार्टनर से हम तुम्हारी बात करके तो मैं एक्टर या फिर मॉडल बना देंगे पर एटलीस्ट कृष्णा और राजकुमार को कुछ तो ऑफर मिला विजय बेचार तो इन सब में घेस रहा था बस इसके बाद राजकुमार और कृष्णा का नार्को टेस्ट भी हुआ जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बातें सामने आई कृष्णा ने अपने नार्को टेस्ट में ये कहा कि जो हमारी फर्स्ट वाली स्टोरी थी कि राजेश और दुरानी के बीच में रिलेशन थे एंड पूरा वो ही की सेक्शुअल पोजिशन में पाकर डॉक्टर राजेश ने आरुषि को गलती से मार दिया हेमराज को मारने के चक्कर में पर नार्को टेस्ट के दौरान कृष्णा ने यहां पर यह भी एलिगेशन डाले कि, कि किसी ने सीबीआई में उसे घूस दी कि सारे इल्जाम अपने ऊपर ले ले को बोला था फर्स्ट टाइम में जब उन बोला था मेरे को मेरे ऊपर सारा अपने ऊपर ले लो बोला था किसने बोला था आई साहब ने बोला था कौन से लोकल का हाँ? का लोकल नहीं, नहीं नहीं लोकल वाले अच्छे उन्होंने बोला तो ले तेरे को सजा सजा कम कर दी जाएगी उम्र में तेरे को वहाँ पे रखा जाएगा ऐसा बोला था उन्होंने ये क्या नारको टेस्ट में काफी सारा सच मिल सकता है बट नार्को टेस्ट के रिजल्ट कोर्ट रूम में पेश नहीं करे जा सकते एज एन एविडेंस नार्कोटेस्ट में एक आदमी को सफिशेंट ड्रग्स के अंदर रखा जाता है जिसमें वो पूरा अनकॉन्शियस तो नहीं होता पर एटलीस्ट इतनी स्टेट में रहता है कि सच बोल सके पर ये चीज़ उल्टी भी पड़ सकती है अगर आदमी ज्यादा होश में रहे तो नाउ इट्स अप टू यू पीपल टू फॉर्म योर ओन ओपिनियन की नार्कोटेस्ट के दौरान कृष्णा कितना सच स्पिल कर रहा था कृष्णा ने यह भी बताया था कि हेमराज के मर्डर के दो दिन पहले उसने सी वालों को कॉल भी करा था अब किस चीज के लिए करा था कितने देर था करा था किससे करा था ये सारी चीजें मिस्ट्री हैं बट देयर इज वन एविडेंस जो इस बात को प्रूव कर सकती है कि हां कृष्णा ने सच में किसी को कॉल करा था हेमराज की मौत से कुछ दिन पहले हेमराज अपने पड़ोस में एक आंटी के पास भाग भाग के गया हेमराज बहुत घबराया हुआ था और हेमराज ने इस आंटी से कहा कि मेरी लाइफ और मेरे जानने वालों की लाइफ खतरे में है मेरे कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं उनकी ज़िंदगी खतरे में है जब इस लेडी ने हेमराज से पूछा कि तुम अपने मालिक से जाके क्यों नहीं बात करते हो इस बारे में या फिर पुलिस से जाके क्यों नहीं बात करते हो इस बारे में तो हेमराज ने उन्हें कहा कि पुलिस और मेरा मालिक हमारी कोई मदद नहीं करेंगे वो हमारी कोई बात नहीं सुनेंगे इवन दो ये एलिगेशन हेमराज के सन इन लॉ जीवन ने बाद में डिनाई कर दिए थे कह कर कि उसकी जान को कोई खतरा नहीं था पहले बट दिस कुड बी वन रीजन दिस कुड बी वन रीजन क्यों कृष्णा ने सी को थोड़े दिन पहले कॉल करा था बट शक अब वापस तलवार पे आ गया इस डिस्कवरी के बाद इसके बाद सीबीआई ने थौर होने के लिए डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार का दोबारा नार्को टेस्ट करा एक बार नहीं दो बार पर उन्हें दोनों बार कोई भी डिसेप्टिव या फिर कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली विच कुड लीड टू हिम बींग द मर्डर नुपुर तलवार को भी पॉलीग्राफी टेस्ट देना पड़ा था उस समय और सेम उनके उसमें भी कुछ झूठ या कुछ फॉल्सी नहीं निकला तो तलवार क्लियर हो गए थे और तो और सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे उन्हें कृष्णा के घर से एक चीज मिली कृष्णा के घर से सीबीआई को एक पिलो कवर मिला जिसमें खून के धब्बे थे और कृष्णा के घर से एक खुकरी भी मिली जिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन दिस होल इन्वेस्टिगेशन जब से ये हो रहा था जब ये चाकू जब ये नेपाली खुकरी सच में दिखी थी पर सिर्फ खुकरी घर में मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि आदमी ने उसे इस्तेमाल भी करा होगा किसी को मारने के लिए बहुत सारे लोग नेपाल में क्या इंडिया में भी खुकरी रखते हैं अपने पास दैट नॉट मीन दैट ऑल नेपाली आर मर्डर है सच बात बोलो तो कहीं ना कहीं यहाँ वर्कर्स को सर्वेंट्स को और नेपालियों को भी थोड़ी नीची नजर से देखा जा रहा था और सी के दिमाग में जो नरेटिव था उसमें इन सभी को फिट करा जा रहा था पीसेस जैसे पर हाँ कृष्णा के घर से मिले गए पेलो कवर फोरेंसिक लैब में भेजे गए फाइनली कुछ एविडेंस मिले थे पर फिर एक और प्रॉब्लम आ गई आरुषि हेमराज दोनों का मटरा हुआ था बारह से दो के बीच में और अब ये बात हो गई थी कि कृष्णा ने इन दोनों को मारा खुकरी से बट अकॉर्डिंग टू कृष्णा फैमिली दैट वॉज नॉट पॉसिबल क्योंकि वो बारह से दो बजे घर में ही था बारह से दो बजे क्या वो पिछले दिन नौ बजे से घर में ही था कृष्णा लोगों का घर इतना बड़ा नहीं था कि कोई चोरी छुपे घर से बाहर चले जाए मर्डर करके वापस आ जाए नहा दे अपने सारे एविडेंसेस धोल दे और फिर सो जाए और इतना सब कुछ करने के बाद किसी को कुछ पता ना चले इतना बड़ा घर नहीं था उनका दे ऑल यूज टू शेयर सेम रूम सो कृष्णा सो अप एंड सच अ सिचुएशन आई टू गॉड ठीक है अगर तुम लोग को कंफ्यूजन हो रही है तो सोचो कि मेरे को पढ़ने में कितनी कन्फ्यूजन हुई होगी पर फिर सीबीआई ने कहा कि ये फैमिली वाले बस कृष्णा को बचाने के लिए सब कुछ झूठ बोल रहे हैं सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं अपने बेटे को बचाने की और इसने ही खून करा है और इस बेसिस पे सीबीआई ने कृष्णा और राजकुमार को नब्बे दिन के लिए जेल के अंदर बंद कर दिया है उस से भी खतरनाक बात यह थी कि जो पिलो कृष्णा के घर में मिला था उसमें जो खून के निशान थे वो हेमराज के ही थे फाइनली फाइनली आफ्टर सो मच बजल द रियल कल्प्रेट वॉज फाइनली कॉट सी ने फाइनली एक रियल एविडेंस कैप्चर कर लिया था कि भाई कृष्णा ने ही हेमराज को मारा है घर वापस आया कृष्णा और क्लीन होने के बाद जब वो सोने गया तो गलती से हेमराज के कुछ खून के धब्बे उसके पेलो कवर पे लग गए जिसे कृष्णा सबसे छुपा रहा था वेल well, इस वाले पार्ट में भी एक गलती हो गई इस वाले केस में हो क्या रहा था ना कि ये सारे के सारे एविडेंसेस सेम फॉरेंसिक लैब सेम आदमी के पास सेम लोगों के पास भेजे जा रहे थे ताकि कुछ भी जम्बलअप ना हो जाए या फिर कोई भी एविडेंस इधर का उधर ना हो जाए और जिस फॉरेंसिक लैब में कृष्णा का ये पिलो कवर भेजा गया था उसी फॉरेंसिक लैब में शुरुआत में हेमराज के रूम से कुछ प्रिंट्स भेजे गए थे कुछ प्रिंट्स बोल सकते हो या फिर कुछ सैंपल भेजे गए थे हेमराज के रूम से इस फॉरेंसिक लैब में और जब उन्होंने कृष्णा के पिलो के सैंपल्स लिए तो उनसे गलती हो गई फॉरेंसिक टीम से लेबलिंग में गलती हो गई जब उन्होंने ये टेस्ट करा कि कृष्णा के वहाँ जो सैंपल मिले थे वो हेमराज के ही थे कि नहीं तो वो गलती से फाइल इस नाम से लेबल हो गई जिस नाम से हेमराज के कमरे के एक्चुअल सैंपल्स थे उनमें बस नेमिंग लेबलिंग की प्रॉब्लम हो गई हाउ इज दैट थिंग पॉसिबल इतने ज़्यादा क्रोशल मोमेंट पे ये ऐसी हल्की सी गलती कैसे हो सकती है आई कैनॉट बिलीव इट दैट टू ये गलती तब हुई जब कृष्णा और राजकुमार के लॉयर्स उन्हें डिफेंड करने के लिए आए इस बीच के टाइम पीरियड में पहले रिपोर्ट भेजी गई थी कि कृष्णा के पिलों में हिमराज के सैंपल्स बने हैं फिर तीन दिन बीते और फिर यही रिपोर्ट्स रीअश्योरेंस के लिए रीटेस्ट कराई गई कि कोई गड़बड़ तो नहीं होगी रिपोर्ट्स में और फिर बाद में एक्चुअली घर पर मिल गए इन रिपोर्ट्स में

Rich, तो अपने आप को बचाने के लिए वो किसी को भी कितनी भी घूस दे सकते थे ऑन द अदर हैंड सर्वेंट्स टाइट क्रोप स्लैश पार्टी जिनको छुड़वाने के लिए लोग मिलकर के डिसीजन को भी करप कर सकते थे ये जो पार्टी थी वो ये चीज़ कर सकती थी वोट्स या फिर हेल्प के लिए तो जो ये मैच थी यही चलता रहा पूरे टाइम हर एक दिन ऐसा चल रहा था कि आज केस सॉल्व होगा कल केस सॉल्व होगा और इसी वजह से ये केस सबसे पहले नोएडा पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर हुआ था विच वाज लेड बाय अरुण कुमार बट अब इतनी बड़ी फेलियर की वजह से इतनी बड़ी कन्फ्यूजन की वजह से ये केस एक और बार ट्रांसफर हो गया दोबारा से सी की दूसरी यूनिट को बट दिस टाइम इट वॉज लेड बाय ए जी एल कॉल इन टू एंड जिन लोगों को कॉल के बारे में नहीं पता है यू कैन से दिस थिंग दैट ही वॉज अ वेरी स्पेशल इन्वेस्टिगेटर अगर आप लोगों को कभी टाइम मिले तो उनके बारे में पढ़ना पर वो ऐसे थे कि अगर किसी चीज़ में उन्होंने अपना दिमाग बना लिया अगर उन्होंने ठान लिया कि सॉल्व करना है तो मतलब सॉल्व करना है चाहे फिर वो किसी भी मीन से हो चाहे फिर वो किसी भी नेरेटिव से हो या फिर कोई भी स्टोरी से हो जो वो सोचते थे कॉल जी वो सॉल्व करते थे और फिर यहाँ से शुरू हुई थर्ड और लास्ट नरेटिव ए जी एल कॉल ने इस इन्वेस्टिगेशन के लिए एक नई टीम बनाई डिस्कार्डिंग एवरी थिंग दैट केम बिफोर देम एंड एक नए पहलू से शुरुआत करी उन्होंने अब ये जो तीसरी स्टोरी थी तीसरी थ्योरी थी जो भी आप बोलना चाहो इस चीज को इसको समझने के लिए हमें कुछ एविडेंसेस रिकॉल करने पड़ेंगे पंद्रह मई को घर में चार लोग थे और सुबह छह बजे उस घर में बस दो लोग बचे थे दोनों आरुषि और हेमराज के फ़ोन गायब थे मर्डर के बाद विच वॉज़ वेअ क्योंकि घर से और कोई कीमती सामान चोरी नहीं हुआ था कमरे में बस आरुषि के ब्लड सैंपल्स मिले थे हेमराज के नहीं और छत के सैंपल्स इतने डिस्ट्रॉय हो चुके थे कि वो अब किसी भी काम के नहीं थे जब आरुषि की बॉडी मिली थी तो उसके बेड दीवार ज़मीन और दरवाजे पर खून तो था पर उसके मुंह पर प्लेस करा गया बैग टॉयज और बेड के दूसरे साइड पर कोई खून नहीं था जिससे ये साफ पता चलता है कि यह सब कुछ बाद में फ्रेमिंग के लिए प्लेस करा गया था एंड दिनेश तलवार ने फॉरेंसिक टीम से यह रिक्वेस्ट करी थी कि इस केस के ऐसे एविडेंसेस को खारिज कर दिया जाए जिनसे यह इंडिकेट भी हो कि आरुषि को सेक्सुअली असल्ट करा गया था ताकि मरी हुई बच्ची का नाम खराब ना हो नाउ कीपिंग ऑल दिस इन माइंड मिस्टर कॉल आरुषि के मर्डर के पीछे नहीं उनकी फैमिली के पीछे गए उनका यह मानना था कि जो भी हुआ वो इस ही घर में हुआ था और उस रात बाहर से कोई भी आदमी इस घर के अंदर नहीं आया था उन्होंने आरुषि की मोम नुपुर तलवार पे शक करना शुरू कर दिया उनसे पूछताछ करी उन्हें काफी प्रेशर में डाला और कॉल के नजर में डॉक्टर राजेश तलवार इनोसेंट थे एक्चुअली राजेश के अगेंस्ट जितने भी एलिगेशन थे अफेयर के गॉल्फ वाले सब कॉल को बस झूठ लग रहे थे कॉल को ये लगा कि हो सकता है शायद राजेश नहीं मारा हो आरुषि और हेमराज को पर इस मर्डर को छुपाने की पूरी साजिश नुपुर तलवार ने रची है और वो ही सबको गाइड कर रही है कि किसे क्या कहना है किसे क्या बोलना है इसलिए मिस्टर कॉल ने नुपुर तलवार के फ्रेंड अजय को बुलाया इन्वेस्टिगेशन में उनका साथ देने के लिए पहले अजय को लगा ठीक है फाइनली कोई सच्चाई तो बाहर निकालना चाहता है बट उन्हें यह बहुत जल्द रियलाइज़ हो गया कि मिस्टर कॉल उनके दोस्त के अगेंस्ट ही उनसे गवाही लेना चाह रहे थे मिस्टर कॉल अजय को कन्विंस करने लगे कि नहीं और कोई नहीं था उस रात उस घर में तुम्हारे दोस्तों ने ही मीनिंग की आरुषि के पेरेंट्स ने ही आरुषि और हेमराज का खून करा था दैट वॉज हिज वे ऑफ वर्किंग दैट ही विल एक्चुअली गैस लाइट समबड़ी ही गैस लाइट सम वन इन टू एक्सेप्टिंग बट दे नेवर डिड अलजेडली मिस्टर कॉल की भी स्टोरी फर्स्ट वाली स्टोरी से मैच होती थी तो मैं तुम्हें दोबारा बताकर तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पे अभी पर इस बार स्टोरी में एड ऑनस ये थे कि बाप ने दोनों को मारा फिर इन्होंने घर को साफ करा सुबह छह बजे तक काम वाली का वेट करा ताकि वो तलवार से ले गवाही दे, दे और अपनी बेटी की इमेज बचाने के लिए उन्होंने उसके प्राइवेट पार्ट्स ढंग से साफ करें एंड दैट इज़ द सेम रीज़न दिनेश तलवार ने भी पोस्टमार्टम के टाइम पर अपील करा था कि सेक्सुअल असॉल्ट के एविडेंसेस खारिज हो जाने चाहिए इतने इन्वेस्टिगेशन के बाद भी थर्ड टीम ये तीसरी टीम थी जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी और उनके पास भी कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था कोई सॉलिड फिजिकल प्रूफ कोई सॉलिड एविडेंस या फिर कोई भी ऐसा सबूत नहीं था जिससे ये पता चल सके कि कौन था मर्डर तलवार्स पर दोबारा पॉलीग्राफी नार्को और ब्रेन मैपिंग के टेस्ट हुए जिनमें दोबारा सब कुछ क्लीन निकला सो छ के छे टेस्ट दोनों हजबैंड वाइफ को मिलाकर क्लीन निकले और इस लास्ट टाइम के टेस्ट में राजेश के टेस्ट में उनकी शादी के बारे में कुछ प्रॉब्लम्स पता चली जो कि केस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं था तो उन्हें खारिज कर दिया गया था बट फिर तलवार कोर्ट में बुलाया गया इन्ही एविडेंसेस के बेसिस पर विच वन टू बिगिन विद सीबीआई के सेकंड टीम ने भी यही कहा था कि दे हैड लैक ऑफ एविडेंस फिर भी फिर भी इस केस को कोर्ट में ले जाया गया और यहाँ पहली बार कोर्ट में पहली बार राजेश और नुपुर तलवार को यह पता चला कि कृष्णा के कमरे में जो पिलो केस मिला था उसमें जो खून के सैंपल्स थे वो हेमराज के डीएनए से मैच हुए थे पर लेबलिंग एरर की वजह से वो सारे के सारे डिस्कार्ड हो गए थे इस बात को लेकर दिनेश तलवार ने बहुत गुस्सा किया sure लोगों ने उनका गुस्से वाला वो वीडियो देखा ही होगा। But you know what? I kind of understand. दो साल हो हो गए थे कतल को, उनकी पूरी की पूरी की जिंदगी डाउन गई थी नॉर्मल कैसे रहना है, उन लोगों को पता ही नहीं था। और जो लास्ट होप थी उनके लिए वो भी अब उनसे छुप रही थी गाजियाबाद so में, में आरुषी तलवार और हेमराज केस का ट्रायल शुरू हुआ अब ए जी एल कॉल ने सबसे पहले यह केस बनाया तलवार के अगेंस्ट टू प्रूव के तलवार ने ही दोनों को मारा है पहला एविडेंस उनका था इंटरनल राउटर टाइमिंग कॉल ने रिपोर्ट दिखाई कि हाँ पंद्रह मई को राउटर बंद हुआ था और फिर नुपुर तलवार ने राउटर को खोला था और उसके बाद ये राउटर यूज में था बट इस राउटर पर एक्टिविटी थ्री थर्टी फोर ए एम तक चल रही थी और फिर यह राउटर बंद हो गया था और सुबह छ बजे इस राउटर पर दोबारा एक्टिविटीज आई थी तो तलवार ने इसके अगेंस्ट ये बोला कि शायद पावर कट की वजह से ये राउटर ऑन एंड ऑफ हो गया होगा दिस थिंग कि हम अरुची के कमरे में रात के बाद कभी नहीं गए थे तलवार ने यह भी कहा कि ये इंटरनेट राउटर काफी पुराना था तो वो अपने आप से कभी बंद खुला बंद खुला होता रहता था और लैपटॉप से ऑटोमेटिकली कनेक्ट होने की वजह से शायद से शायद सुबह छह बजे राउटर दोबारा एक्टिविटी में आ गया होगा पर सीबीआई वाले और जो उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि उस रात पावर कट हुआ ही नहीं था बट दे वॉज वन प्रॉब्लम इन दिस रिपोर्ट

So they must have known about this fact. They must have known about this thing. तो चाबी फेंकने का कोई मतलब नहीं रहता फिर इस चीज के लिए तलवार के पास कोई भी काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं था उसके बाद ये एलिगेशन डाले गए थे कि सडन रेज में मर्डर हो गया था जब डॉक्टर राजेश ने आरुषि और हेमराज को इस कंडीशन में इस कंडीशन में देखा उन्हें तो रेज में आकर उन्होंने उन्हें मार दिया और फिर जेल जाने से बचने के लिए उन्होंने ये सारा हंगामा करा टू सी बी आई एवरीथिंग डेट है फ्रॉम सिक्स ए एम टू एट ए एम वॉज वेरी कैलकुलेट तीसरा एलिगेशन ये लगाया गया कि दोनों पेरेंट्स ने आरुषि और हेमराज के फ़ोन घर से गायब कर दिए थे एज दीज डिज दे एविडेंसेज इन दम चौथा एलिगेशन ये लगाया गया था कि राजेश ने घर से जल्दी जल्दी सारे एविडेंसेस में डालने के लिए सबसे पहले तो आरिश का क्रीमेशन करवाया और फिर जल्दी जल्दी घर की सफाई करवा दी राजेश तलवार ने अपने डिफेंस में ये कहा कि उन्होंने पुलिस कांस्टेबल से पूछकर ही दोनों काम करवाए थे पर पुलिस मैन ने ये बात डिनाय कर दी थी और कहा कि मुझसे इस बारे में कभी कुछ पूछा नहीं गया था और जो मेन गवाह था इस केस का भारती मंडल भारती मंडल ने कोर्ट में जा ये कहा कि मैं वैसा ही आपको बता रही हूँ जैसा मुझे सिखाया गया था जब आपने देखा तो क्या ताला लगा हुआ था या दरवाजा खुला हुआ था इतना मैं ध्यान नहीं दिया जो ताला लग था ये था हमने पता नहीं है वो बोल रहा है जो कि ताला लग था तो हम नीचे जाने के बाद भी वो फिर मेरे को बोला है बालकनी से तरफ से कि देखो बालकनी ताला लॉक नहीं है दरवाजा खुला हुआ है Why did she say that thing? दि तलवार टीचर समथिंग विच ऑल्सो टर्न ऑन तलवार वाला ट्रायल बहुत ही लंबा ड्राई हुआ दो हज़ार ग्यारह से दो हजार तेरह तक बट ऑन ट्वेंटी नवंबर ट्वेंटी थर्टीन कोर्ट ने राजेश तलवार और नुपुर तलवार को लाइफ इम्प्रजनमेंट की सजा सुना दी और उसके दो महीने बाद तलवार ने अपने वर्डिक्ट के अगेंस्ट अपील लॉन्च कर दी अक्टूबर ट्वेल्थ ट्वेंटी सेवनटीन अलाहाबाद हाई कोर्ट कन्विक्शन एंड स्टेटिंग दैट दस इज प्रजेंटेड बाई द सी बी आई वॉज नॉट कंक्लूसिव जो कि इस केस में शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि कोई भी एविडेंसेस नहीं है जो भी केस दोनों तलवार के अगेंस्ट 2013 में बनाया गया था उनमें कोई भी एविडेंसेस नहीं थे वो बेबुनियाद थे कोर्ट ने ये कहा कि अपने रीजंस और एविडेंसेस प्रूव करने से चुक गए जिसके चलते तलवार हो चुके थे पेरेंट्स ऑफ आरुषि तलवार नूपुर एंड राजेशउट ऑफ दिन गाजियाबाद नाउक लुक At the pictures on your screen, these are the first pictures now of Rajesh Talwar and Nupur Talwar. They've just stepped out of Dasna prison after spending 4 years. jo ki itne saal baad कहीं लोगों की नजरों में सही था और बहुत सारे लोगों की नजरों में गलत। The aftermath of this case has been very chaotic and very bad for everyone involved. House helpers की अगर हम बात करें। तो कृष्णा और विजय मंडल को जेल से छूटने के बाद से कहीं भी काम नहीं मिला है राजकुमार की फोटो हर अखबार और हर न्यूज़ चैनल में थी तो उसे इंडिया में कहीं भी जॉब नहीं मिली वो अपने घर वापस चले गया था और उसकी शादी भी हो चुकी थी पर वो अब अपने घर में ही काम करता है डॉक्टर अनिता दुरानी और उनके हस्बैंड को भी क्लिनिक से निकाल दिया गया था और तब से वो किसी भी क्लिनिक को खोल नहीं पा रहे हैं या फिर मेडिकल फील्ड में भी जॉब नहीं कर पा रहे हैं और तलवार के बारे में तो तुम्हें पता ही है कि कभी वो कोड के चक्कर काटता है कभी वो जेल के चक्कर काटता है पर सबसे बड़ा असर पड़ा है इस केस में हेमराज की फैमिली पर डबल मर्डर केस टू थाउजेंड केस ऐसा नाम दिया जाता है आरुषि और हेमराज की डेथ को और सभी लोग इस केस में ज्यादातर आरुषि की बात करते हैं क्योंकि छोटी बच्ची मर गई पर तुमने ये नोटिस करा होगा कि हेमराज के बारे में इतनी बात नहीं होती इनफैक्ट मैंने भी इतना डिटेल में नहीं बोला हेमराज के बारे में कि वो कैसे मरा उसके कमरे में क्या क्या एविडेंसेज मिले थे उसके बाद उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ था क्योंकि हेमराज के बारे में इन्फॉर्मेशन है ही नहीं भाई हेमराज की तो इस पूरे केस में बस एक यही फोटो है दैट्स हाउ लिटिल वी नो अबाउट हिम नोएडा पुलिस ने भी सी ने भी सब ने इस केस में हेमराज को एकदम आफ्टर थॉट बना दिया था इट्स जस्ट लाइक ये अच्छा ऊपर कोई मरा था ओह पर उसके बगल में हैंड प्रिंट मिला था वो ज्यादा जरूरी है हेमराज की फैमिली को आज तक सफर करना पड़ रहा है उनके डैड की डेथ की वजह से एंड दे स्टिल हैव नो जस्टिस एंड आज की डेट में भी आज डेट क्या है आज है छः तारीख ठीक है आज की डेट में भी ये केस अनसोल्व ही है पर कहीं सारे ओपिनियंस कहीं सारे फॉल्टी एविडेंसेस कहीं सारे प्रिजम्पन्स के साथ ये केस अभी के लिए यहीं पे समाप्त होता है आई wanna ask you guys one thing कि तुम्हारे ओपिनियन में किसने मारा आरुषि और हेमराज को आई हैव ट्राइड माय बेस्ट विद दिस केस पर सच में ये चीज फिगर आउट नहीं हो पा रही है मेरे से सारे एविडेंसेस सब कुछ तलवार्स की तरफ ही पॉइंट करते हैं बट व्हेन यू एक्सेप्ट दिस थिंग कि चलो ठीक है पेरेंट्स ने ही मारा था वट वॉज दी मोटिव मोटिव क्या था एक ऐसी बच्ची को मारने का जो कि इतनी मुश्किलों के बाद पैदा हुई थी जिसे तुम अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हो और अगर हम ये चीज़ कंसिडर करें कि नौकरों ने मारा इसे तो उन्होंने उस बिल्डिंग से अंदर बाहर कैसे करा दैट वॉज सीरियसली अलॉट फॉर मी सो आई होप कि ये वीडियोज़ तुम्हारे लिए थोड़ा सा एजुकेशनल हो या फिर तुम्हें कोई तो हेल्प मिली हो इनसे पसंद आई तो लाइक कर देना और कॉमेंट कर देना प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ काज प्लीज कीप यस वेरी क्लोज टू यू And I will see you very, very soon. Bye bye.